हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो नाउ एक नया क्वेश्चन है हमारे पास और कुछ नई ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम करेंगे। ठीक है, ढंग से समझेंगे इसको। अजय कमेंस बिजनेस विद कैश 4000, गुड्स 20000। आपने क्या करना है, आपने कैश करके एक कॉलम बना लेना है और कैश में आपने 40000 लिख देना है। गुड्स का मतलब स्टॉक होता है, आपने स्टॉक करके एक और कॉलम बनाना है, 20000 लिख देना है। और इसका टोटल होता है 60000, वो आपने कैपिटल में शो कर देना है। सिंपल है, न्यू इक्वेशन आपकी यही रह जाएगी। 40000 आपका कैश आ जाएगा, 20000 आपका स्टॉक हो जाएगा एंड 60000 आपका कैपिटल हो जाएगा। सोल्ड हाफ ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% टू राम। देखिए, अब ये एक नई एंट्री है, इसको जरा ढंग से समझेंगे। हमारे पास इस समय गुड्स जो है वो है 20000। हाफ ऑफ द गुड्स का मतलब होता है इसका आधा 10000, इसको हम 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो वो हमारे पास होगा 2500। यानी कि हमें 10000 का सामान बेचने पे 2500 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हमने जो सामान था वो 12500 का बेचा होगा, तभी तो 2500 का प्रॉफिट होगा। तो अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 10000 को स्टॉक से माइनस करेंगे क्योंकि आप ये सामान बेच रहे हैं। 12500 जो है ये अभी पैसा मेरे पास आया नहीं है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कैश रिसीव। तो आप इसको क्या करेंगे, आप सोल्ड कर रहे हैं यानी आप बेटर बन गए, तो आप बेटर के कॉलम में 12500 को शो करेंगे और आपको प्रॉफिट हो रहा है 2500 का, तो वो आप कैपिटल में प्लस करेंगे। क्लियर? सो आपकी न्यू पेशन बनेगी 40000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, 10000 आपके पास स्टॉक हो जाएगा, 12500 आपके पास डेटर है और 62500 अब आपका कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट कहता है सोल्ड हाफ ऑफ गुड एट 10% लॉस। यानी कि जो अब मेरे पास गुड्स बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है गुड्स, 10000 बचा हुआ है, इसे मैं 10% के लॉस में बेच रहा हूं, यानी 1000 के लॉस पे। यानी 10000 का सामान मैंने कितने का बेचा होगा, 9000 का बेचा होगा, तभी 1000 का लॉस हुआ मुझे। तो अब आपने क्या करना है, ये कैश में है तो आपको कैश मिला है 9000, ये तो आपने प्लस करना है, तो ये हो गया आपका कैश 49000। स्टॉक में से पूरा का पूरा स्टॉक को आपको माइनस कर देना है क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, डेटर मेरे 12500 ही रहेंगे। अब आपको लॉस हो रहा है 1000 का, तो 1000 आपको कैपिटल से माइनस कर देना है। सो न्यू इक्वेशन क्या बनी, कैश बन जाएगा 49000, स्टॉक हो जाएगा 0, 12500 हमारे पास डेटर रहेंगे और 61500 हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉट गुड फ्रॉम राकेश 25000, पे 9000 कैश। तो इसको इस तरह से देखेंगे कि 9000 को कैश आ रहा है, ठीक है, यानी हम कैश में पे कर रहे हैं, 9000 को तो आप कैश से माइनस करेंगे। सामान कितने का है आपके पास, 25000 का, या आप स्टॉक में ऐड करेंगे। और अभी बाकी जो रिमेनिंग बचा है 16000, ये मैंने अभी पे नहीं किया है, तो आप इसको क्रेडिटर में शो करेंगे। तो न्यू इक्वेशन आपकी बनती है 40000 आपके पास आता है कैश, 25000 आपके पास आता है स्टॉक, डेटर आपके पास आएगा 12500, 16000 आपका हो गया क्रेडिटर एंड 61500 आपके पास है कैपिटल। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर 7000 फॉर ऑफिस एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज। तो आप इसको कैसे करेंगे कि 7000 तो आप ऑफिस यूज के लिए ले रहे हैं और 3000 आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो जो ऑफिस यूज के लिए होगा उसे तो फर्नीचर कॉलम पे शो कर देंगे। 7000 ऑफिस यूज के लिए, तो इसे शो कर दिया, और 3000 जो पर्सनल यूज के लिए, इसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। यानी कि अब मेरे पास जो कैश बचता है वो बचता है 30000, 40000 में से 10000 माइनस हो गया, 25000 मेरे पास बचता है स्टॉक, 12500 मेरे पास है डेटर, 7000 मेरे पास है फर्नीचर, 16000 मेरे पास है क्रेडिटर एंड 61 में से 3 गया तो 58500 मेरे पास बचता है कैपिटल। लास्ट एंट्री कहती है पेड इंश्योरेंस 1200 इज प्रीपेड। तो आपने क्या करना है, पे कर रहे हैं 1000, तो 1000 को आपने माइनस कर देना है कैश से, 200 प्रीपेड है, तो प्रीपेड का असेट में कॉलम बना के 200 लिख देना है। अब जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास 800, 800 को आपने क्या कर देना है,
कैपिटल से माइनस कर देना है। यानी अब जो फाइनल इक्वेशन हमारी आ रही है वो आ रही है कैश हमारे पास आ रहा है 29,000, 25,000 हमारे पास आ रहा है स्टॉक, 12,500 हमारे पास आ रहा है डेटर, 7,000 हमारे पास आ रहा है फर्नीचर, 200 प्रीपेड इंश्योरेंस, 16,000 क्रेडिटर एंड 57,700 कैपिटल। ठीक है, सो ये हमने आज एक नया टाइप का भी क्वेश्चन किया है, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क यही है कि जो आपने आज की क्लासेस में पढ़ा है क्वेश्चन, आपको इन्हीं को प्रैक्टिस करना है अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू वेरी मच।